हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सृष्टि सुमन सिंह में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मछली की एक और नई रेसिपी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ इस मछली को टेंगरा मछली बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इस मछली को क्या बोलते हैं। तो इस मछली को टेंगरा के अलावा आप किसी दूसरे नाम से जानते हैं जो आपके यहाँ बोला जाता है, कमेंट में उस नाम को ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं मछली काफ़ी छोटी छोटी है, तो मैं इसे मैं यहाँ पे मछली को काटने बैठ गई, आता तो था नहीं, मम्मी से पूछ पूछ करके मैं इसके साइड में जो भी नुकीले से कांटे लगे होते हैं ना, मैं उसे काट रही थी इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम आराम से, क्योंकि हाथों में चुभे नहीं इसलिए मैं इसे आराम आराम से कट कर रही थी। मुझे काफ़ी टाइम भी लग रहा था क्योंकि मैंने पहले ये कभी किया नहीं था, तो मैं आराम आराम से ही कर रही थी ताकि मुझे चुभे नहीं। और इसके बीच से गर्दन के साइड से आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने कट कर दिया। कट लगाने के बाद उसके अंदर से जो भी गंदगी है मैं उसे बाहर निकाल दूँगी, साफ़ कर लूँगी मछली को अच्छे तरीके से। जितनी अच्छे तरीके से आप मछली को साफ़ करेंगी उतनी ही अच्छी मछली बनेगी। मैं यहाँ पर राख लगा करके इसे कट कर रही थी क्योंकि ये बहुत स्लिप हो रहे थे। जब तक मैं मछली को काट रही थी मम्मी उधर मसाला तैयार कर रही थी। मसाला के लिए मम्मी ने तेल डालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा अजवाइन और मेथी डाला, साथ में ही ये सरसों लहसुन और हल्दी का पेस्ट तैयार कर लिया। अब मम्मी इसे फ्राई करेगी। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर या फिर लो पर, अगर आपसे जल जाता है मसाला तो आप लो पर ही इसे बनाएँ। तो देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है, अब मम्मी इसमें मसाला डालेगी, मसाला को अच्छे से फ्राई करेगी। ये बीच बीच में आप जो धुआं देख रहे हैं वो हमारे यहाँ मिट्टी के चूल्हों पे हम बार बार मसाला को जैसे किसी चलाते हैं, वीडियो में मसाला चिपके नहीं और जले भी नहीं, तो इस वजह से बीच बीच में धुआं आ रहा है। याद रखना है आपको कि जितने अच्छे तरीके से आप मसाला को फ्राई करेंगी उतनी अच्छी मछली बनेगी। तो मम्मी यहाँ पर मसाला फ्राई कर रही है, तब तक मैं वहाँ मछली को काट रही थी। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे मछली को काटते हुए, मछली काफ़ी छोटी थी इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी काटने में। अब इसमें मम्मी मिर्च डाल रही है, आपको जितना तीखा खाना पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप मिर्च इसमें डाल सकते हैं। मम्मी इसमें 2 चम्मच मिर्च डालेगी और अच्छे से मिक्स करके चलाएगी इसको। बीच बीच में लाइट भी चली जा रही थी तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो शूट करने में। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के जिस प्लेट में हमने मसाला रखा था उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसी को धो करके इसमें मसाला में पानी डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जिससे कि हमारा मसाला साइड साइड में जो भी चिपक रहा था वो हट जाए और अच्छे से हम इसे चला करके फ्राई कर लें। और अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। चार अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद लास्ट में हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मम्मी पानी डाल डाल करके अच्छे से इसे फ्राई कर रही थी। तो देख सकते हैं आप मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। उतना ही डालना है जितने में हमारी मछली अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मसाला का घोल तैयार हो चुका है और मैं इधर मछली साफ करने में लगी हुई हूँ। तो 1-2 पानी से और मछली को धोना है, उसके बाद मछली अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी, फिर हम मछली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप मछली ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है। लाइट तो थी नहीं इसलिए मैं फ़ोन के फ्लैश से ही वीडियो को भी बना रही थी और मछली को भी साफ़ कर रही थी। मैं यहाँ मछली को साफ़ करके ले आई और ये रहा हमारा चूल्हा। इस पे हम कढ़ाई डालेंगे गर्म होने के लिए
और इस तरीके का आपको मसाला का घोल तैयार कर लेना है। साइड में हमने इसे रख दिया है, कढ़ाई गर्म होने दे दिया है हमने। तब तक हम मछली को देख लेते हैं। मछली यहाँ हमारी साफ हो गई अच्छे से। याद रखना है आपको कि जितना अच्छे से आप मछली को साफ करेंगे ये उतनी अच्छी बनेगी। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के बाद मम्मी इसमें अजवाइन, मेथी, थोड़ा सा सरसों डालकर तेल को अच्छे से चारों तरफ फैला देगी। उसके बाद जब तक ये ब्राउन हो रहा है, तो ये कुतरी बोलते हैं हमारे यहाँ इस मछली को, जब हम टेंगरा मछली लाने गए थे उसी के साथ ये मछली भी आई थी, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कांटे होते हैं, तो मम्मी इसे हल्दी डाल करके पहले फ्राई कर लेगी उसी तेल में। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें मछली डालेंगे, जो भी कोतरी मछली थी उसे हम पहले डाल देंगे। इस तरीके से आपको चारों तरफ फैला करके रखना है। इस मछली को फ्राई होने के तुरंत बाद ही हम उसमें टेंगरा मछली ऊपर से डाल देंगे। और एक साथ ये फ्राई हो रहा था, मम्मी टेंगरा मछली में हल्दी मिला करके उस मछली को ऊपर से डाल देगी। इस तरीके से आपको फैला फैला करके डालना है। ये मछली काफ़ी छोटी होती है तो इसे हमें चलाना नहीं पड़ता बार बार, लेकिन हमें इतना ध्यान में रखना होता है कि मीडियम से एकदम लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना होता है। तो देख सकते हैं मछली हमारी फ्राई हो रही है, हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है और अच्छे से इसे फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जो भी हमने मसाला तैयार किया था उसका घोल हम इसमें डाल देंगे चारों तरफ से इस तरीके से, और उसे पकने तक का वेट करेंगे। अगर आपको ग्रेवी के साथ खाना पसंद है तो इसके साथ भी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ही आप इसको सुखाएं। हमारे यहाँ तो छोटी वाली मछली बिल्कुल सूखी हुई ही बनती है क्योंकि, तो यहाँ पे हम इसकी ग्रेवी को सुखा रहे हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो आप तब तो आप इतने पे ही इसे रहने दें, लेकिन हमें तो सुखाना है इसे, तो हम अभी वेट करेंगे। 2-3 मिनट में ये अच्छे से सूख जाएगी। तो देख सकते हैं मछली कितनी टेस्टी लग रही है। हम लोग तो वेट कर रहे थे कि कब जल्दी से मछली बन जाए कि हम खाने बैठ जाएं। घर में जब भी कभी नॉनवेज बनता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है, क्योंकि मुझे बचपन से ही नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी मछली की ग्रेवी सूख चुकी है। हम बहुत बेसब्री से टकटकी लगा के देख रहे थे कि कब जल्दी से मछली बन जाए कि हम खाना खाने बैठ जाएं। मछली दिख रही है ना टेस्टी, कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मछली बनाती हैं तो मछली डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी। मछली कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। लग रही है ना बहुत टेस्टी। बस 1-2 मिनट और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है मछली को देख के। तो मछली बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।